अपना प्रीवियस प्रीवियस वीडियो में 13 से देखो थोड़ा, तो 13 और 14 नंबर जो था आपका 2x² - 7x - 15, ठीक है, 2x² - 7x - 15 में डाल तो क्या आएगा -13, स्प्लिटिंग करना 2 × -15 -13, उसके फैक्टर बड़ा -13 फैक्टर पर 10 थीटा -7, नहीं ये जो 13 नंबर और 14 नंबर देख लेना बेटा, ऊपर भी कर देना, नहीं यार देख लेना चेक कर लेना, 2x² है -10 + 3 -7 और बाद में कॉमन 9 थीटा हो गया बेटा, 9 × 27 -9 - 3। नाउ वन मोर एग्जांपल इज नेक्स्ट नंबर 15, now 15 is 2x² continue beta uska jo video pehle previous hai √2x² + 3x + √2। now 16 number x² - (a + b)(x) and now plus a b, 16 number, and now 17 x³ - 2x² - x + 2। देखो बड़ा root है, different है सम, यार फिर √2x² + 3x + √2, तो √2 × √2 √4, तो √4 तो क्या हो गया बेटा 2 का फैक्टर, कि √2x² + 3x + √2 है, ठीक है, √2x² + 3x + √2, √2 × √2 √4, तो √4 तो क्या होता है 2, 2 के फैक्टर में 3 लाना है, ये मिल गया आपको कौन सा आएगा बेटा, कि 2 + 2 + 3, √2x² + 2x + x + √2 √2x² + 2x + x + √2। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ना कि 2x² और √2x, देखो x का कॉमन है इन ब्रैकेट, √2 over 2 मींस क्या बेटा, √2 × √2 √2 × √2 √2, ठीक है, और यहां पे कितना बड़ा √2 है, ये √2 और √2 √2 √2 कॉमन हो जाएगा, √2 √2 √2 √4 √4 तो क्या बताया 2, एंड नाउ √2x इज कॉमन इन ब्रैकेट x प्लस, देखो √2 कॉमन निकाल दिया बेटा, तो रिमेनिंग इसमें से √2x कॉमन, तो x प्लस 2 में से देखो बेटा √2 इज कॉमन, √2 × √2 तो क्या होता है √4 √4 तो क्या होगा 2, x कॉमन तो प्लस रिमेनिंग टर्म x प्लस √2 मल्टीप्लाई कर देओ √2x² √2x √2, तो 2x + x + √2 x + √2, तो प्लस 1 इज कॉमन, तो 1 इज कॉमन तो x + √2 x + √2 x + √2 x + √2, एंड नाउ √2x + 1, इज इट क्लियर, तो फिर से एक्सप्लेन करो बेटा √2x कैसे आया यहां पे, के √2x है प्लस 2 मींस क्या हुआ √2 × √2x + x + √2, देखो √2x √2 × √2, ये √2 और √2 हो गया कॉमन, नाउ x तो ये ऑलरेडी कॉमन, ले √2x कॉमन, ले x + √2 और प्लस होने का मतलब है x + √2, इज इट क्लियर, अब नाउ x² - (a + b)(x + a b), तो ओपन द ब्रैकेट इक्वल टू x² - आधे पर माइनस है, अब इसके साथ लगाएंगे बेटा क्या -sin (x), तो -ax क्या बेटा -ax,
अब नाउ b इनटू x प्लस साइन के साथ देखो माइनस b माइनस प्लस माइनस b माइनस प्लस माइनस इनटू x तो माइनस b x माइनस b x एंड नाउ प्लस a b इज इट क्लियर फिर से बता ओपन द ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट a प्लस b इनटू x प्लस a b तो प्लस माइनस a इनटू x माइनस a x माइनस प्लस माइनस b x एंड नाउ प्लस a b अब नाउ कॉमन equal to x is common to x minus a minus b is common to x minus plus minus b equal to x minus a and x minus b is it clear okay beta ye kya tha apna splitting method of middle term for quadratic polynomial ab cubic polynomial beta isko factorize kaise karna hai 1 by 1 dekho beta yahan pe x cube minus 2x square minus x plus 2a तो क्यूबिक पॉलीनोमियल आपको ये बेटा फैक्टराइज करना है तो इससे पहले x cube - 2x square - x plus 2 बेटा तो इसके फैक्टर देखो बेटा कि ऑल कोएफिशिएंट आर 0 ऑल कोएफिशिएंट ऑफ सम आर 0 देखिए तो देन x - 1 इज अ फैक्टर x - 1 ऑल कोएफिशिएंट बेटा ऐसे करो कि नाउ द सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट 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 ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू क्या बेटा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 देखो बेटा यहां पे 1 माइनस 2 ले माइनस 1 ठीक है 1 माइनस 2 तो माइनस 1 कट करो देखो प्लस वन माइनस वन कट माइनस टू प्लस टू कट इक्वल टू जीरो इस इट क्लियर द सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट द सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट और किसमें बेटा एक क्यूबिक में यह रखना बेटा द सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट इक्वल टू जीरो तो देयरफॉर एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ given polynomial is it clear x minus 1 is a factor of given polynomial अब क्या करना है बेटा p of x को डिवाइड करना है ठीक है हमारी मेथड याद रखना है बेटा क्यूबिक के लिए x minus 1 आपका डिवाइड करा गया x minus 1 p of x कांसेप्ट आपका x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 अब देखो बेटा यहां पे x क्यूब है और x है तो यहां पे क्या आ गया x स्क्वायर x into x स्क्वायर तो यहां पे x क्यूब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर अब नाउ माइनस और ये प्लस ये अगर निकलेट कर दो कैंसिल हो गया है अब ये माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस x स्क्वायर माइनस x देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड है याद रखो रिमाइंडर मैं आपको रिमाइंड फिर से करा रहा हूं x क्यूब है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द p ऑफ x मींस डिविडेंड ठीक है बेटा और डिवाइड क्या करना है बेटा डिवाइजर से x से इसके बाद क्या करना डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट टर्म था तो फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में था बाद में क्या बेटा सबट्रैक्ट करना है माइनस प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस तो हो गया कट बेटा x स्क्वायर अब नाउ अगेन माइनस x स्क्वायर और x है तो यहां पे माइनस x x * माइनस तो माइनस x स्क्वायर माइनस 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 प्लस एक्स प्लस माइनस साइन देखो फिर से कट हो जाएगा देखो यहाँ पे साइन देखो बेटा यहाँ पे माइनस एक्स है और ये माइनस एक्स है माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू आपके माइनस टू एक्स है माइनस टू एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस टू डिवाइड बाय एक्स तो क्या रहेगा बेटा माइनस टू एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड का वीडियो देख लेना बेटा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू देखो बेटा माइनस साइन तो प्लस प्लस है तो माइनस ये दोनों कैट एकाट होगा तो निकले तो आंसर क्या आएगा जीरो हो गया क्लियर क्या क्या बेटा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू जो क्यूबिक पॉलीनोमियल है बेटा तो उसके सम ऑफ द ऑल कोएफिशिएंट आर सम ऑफ द ऑल कोएफिशिएंट आर जीरो तो देयरफॉर एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स x minus 1 है बेटा उसको क्या हुआ g हमारा g of x हो गया बेटा उसको डिवाइड और डिवाइजर बन गया किसको डिविडेंड से बेटा डिवाइड करना है तो नाउ p of x इक्वल अपन बता बेटा p of x इक्वल टू कि g of x * q of x + r of x
तो g ऑफ x हमारा कौन सा है बड़ा, क्या यहां पे गुणनों में लिख देते पहले x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस x प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 1। तो बड़ा ये रिमाइंडर था p ऑफ x इक्वल टू क्या है बड़ा, g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये तो रिमाइंडर तो जीरो हो गया, तो g ऑफ x x माइनस 1 q ऑफ x इक्वेशन क्या मिला आपको x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू, ये तो सेम है x माइनस 1 जिसके स्प्लिटिंग का बड़ा 2 1 2 2 1 2 इन ब्रैकेट माइनस 2 और 1 है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2x प्लस x तो माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1 इन ब्रैकेट x कॉमन, इन दोनों x कॉमन तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन तो x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 एंड नाउ x प्लस 1 x minus 2 और x plus 1 इसे क्लियर बेटा। ये क्या क्यूबिक पॉलीनोमियल फैक्टराइज करना है तो कैसे करना है, क्लियर हो गया बेटा, इसे क्लियर बेटा। नाउ वन मोर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल y cube plus y square minus 2y minus 1। देखो बेटा 2y cube plus y square minus 2y minus 1 के sum of the all coefficient, sum of the coefficient equal to 2 plus 1 minus 2 minus 1 तो 3, 2 plus 1, 3, minus 3, equal to 0, तो all coefficient are 0, therefore x minus 1 factor, and now x minus 1 is a factor of p of x, एक given polynomial, तब क्या कर रहा है, x minus 1 से divide करना है, x minus 1, now 2y cube plus 2y cube plus y square, माइनस 2y माइनस 1, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब देखो बेटा 2y क्यूब है तो 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर यहां पे देखो x माइनस 1 है बेटा, यहां पे y ध्यान देना है आपको बेटा, यहां पे y है तो यहां पे कौन सा आएगा बेटा, यहां पे y माइनस 1, तो यहां पे क्या बेटा p ऑफ y याद रखना है बेटा, यहां पे 1 में कौन सा फैक्टर होगा y माइनस 1, जो मूल्य में दिया बेटा p ऑफ x है तो p ऑफ x, x है तो x, y है तो y, z है तो z, जो भी तो y माइनस 1 फैक्टर है तो y माइनस 1 ऑल कोएफिशिएंट 0 y, इसके मैंने बेटा y लिया y माइनस 1, y माइनस 1 2 y स्क्वायर तो y माइनस 1 तो 2 y स्क्वायर तो नाउ 2 y क्यूब, अब नेक्स्ट फैक्टर में मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 2 y स्क्वायर साइन चेंज माइनस अरे प्लस कैंसल y स्क्वायर वाले साइन लिखना है बेटा 1 और 2 लेकिन ना 3y स्क्वायर माइनस 2y या 3y 3y डिवाइड बाय y प्लस 3y प्लस 3y
3y square minus plus minus 3y minus plus cut minus 2y plus 3y and y minus 1 y minus 1 plus y एवढा ने आगे 1 सेकंड प्लस 1 એટલે y minus plus minus 1 minus sin plus 1 cut 0 हो गया क्लियर है। अब क्या करते हैं आप p of x equal to के p of x equal to g of x into q of x plus r of x के g of x डिवाइडर के आपका y माइनस देखो यहाँ पे y देखो फिर से भी तो y तो बड़ा यहाँ पे y आगे ध्यान देना है वो ठीक है यहाँ पे y और यहाँ पे क्या होगा बड़ा y r of y y है तो y ले ध्यान देना है बड़ा ले y माइनस 1 q of y क्वेश्चन के 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 रिमाइंडर हो गया बेटा जीरो आ स्प्लिटिंग करो देखो इक्वल टू y माइनस 1 2y इनटू 1 2 1 जा 2 है 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1 देखो 2y प्लस y 3y 2y प्लस y इक्वल टू 3y इक्वल टू y माइनस 1 इन बिग ब्रैकेट के 2y कॉमन तो y प्लस 1 प्लस 1 कॉमन तो y प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1 के 2y y प्लस 1 y प्लस 1 y प्लस 1 एंड नाउ 2y प्लस 1 तो फैक्टर मिल गया बेटा क्यूब के 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 कौन से फैक्टर मिले y माइनस 1 y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1 देखो में बेटा क्या और स्प्लिटिंग भी आ गई देखो आप 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 क्लियर हो गया बेटा कि सम वाला कोएफिशिएंट 0 है तब x माइनस y देखो x माइनस 1 इज फैक्टर देखो y दिया तो y माइनस 1 फैक्टर है बेटा ठीक है क्लियर नाउ 19 एंड 20 अब इसमें चेक करके बेटा 19 नंबर एंड 20 नंबर 19 एंड 20 देखो 19 नंबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5 पहले चेक करो ना ऑल कोएफिशिएंट अपने करेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x है ठीक है यहां पे क्या 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 अब देखो बेटा के 0 नहीं होता है नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 तो x माइनस 1 फैक्टर नहीं आएगा बट क्या होगा कौन सा होगा x प्लस 1 ठीक है तो उसकी कंडीशन में 19 नंबर 20 नंबर आप लोग कर देना ऊपर में अब 19 नंबर कर रहे हैं बेटा तो 19 नंबर के ऑड पावर कितना सम ऑफ द सम ऑफ ऑड पावर द सम ऑफ ऑड पावर कोएफिशिएंट ऑड पावर coefficient of x equal to याद रखना the sum of odd power coefficient odd power कौन सा बना x cube और x 1 3 तो इसका coefficient क्या x cube आ गया 1 मतलब 1 अब इसका बना क्या coefficient minus 9 equal क्या बना minus 8 इसे clear बना ले odd power coefficient और even power coefficient will be same तो therefore x plus 1 is a factor of p of x clear हो गया बना odd power याद रखना ऑड पावर कोएफिशिएंट नाउ द सम ऑफ एंड द सम ऑफ इवन पावर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू इवन पावर ना इवन पावर में एक्स में क्या लिखा है माइनस 3 और एक कांस्टेंट ऑफ एक्स 0 क्या वो भी देखिए माइनस 3 और माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा माइनस 8 देखो बोथ आर सेम both are same so therefore x plus 1 is a factor of even polynomial या p of x इससे clear हो गया यहाँ तक x minus 1 check करना है और x plus 1 clear देखो 20 number check कर लेंगे 20 number में क्या देखो odd power x cube में पहले देखो plus सारे plus है तो x minus 1 तो factor आएगा नहीं सारे plus x cube में क्या होता है 1 plus 32 तो कितना आएगा 33 यहाँ पे देखो योगा 1 32 अब इसका बड़ा चेक करो
के 30 प्लस 20 इक्वल टू 33, तो x प्लस 1 फैक्टर। क्लियर हो गया 20 नंबर। अब बेटा हमारे पास x प्लस 1, तो लॉन्ग डिवीजन x प्लस 1 डिवाइड्स बाय x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। x क्यूब है तो यहां पे x है तो बड़ा x स्क्वायर से करना पड़ेगा आपको, क्यूब x डिवाइड x क्यूब डिवाइड बाय x, x स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब, 1 इनटू x स्क्वायर तो प्लस x स्क्वायर, एंड इफ मैं सब्सट्रैक्ट करता माइनस माइनस एक कट माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस ये माइनस x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9x माइनस 4x है यहां पे माइनस 4x नाउ माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है बेटा, याद रखना लॉन्ग डिवीजन में अंदर का वीडियो फिर से चेक कर लेना कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। 1 इनटू x तो माइनस 4x प्लस प्लस कैंसिल ही हो गया बेटा, माइनस 9x प्लस 4x तो माइनस 5x माइनस 5x। अब नाउ माइनस 5 यहां पे बेटा माइनस 5 तो माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 5 प्लस प्लस कैंसिल कैंसिल जीरो हो गया, हो गया क्लियर बेटा। अब नाउ p ऑफ x इक्वल टू डायरेक्टली बेटा p ऑफ x इक्वल टू हमारा कंसोल पहले बेटा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 तो x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 now x square minus 4x minus 5 x plus 1 x square minus 4x minus 5 देखो minus 5 plus 1 5 बचा 5 minus 5 plus 1 minus 4 equal to x plus 1 in big bracket x square minus 5x plus x minus 5 minus 5x plus x minus 4x minus 5x plus x minus 4x equal to x plus 1 in bracket x common तो x minus 5 x common है बेटा x minus 5 plus 1 common तो x minus 5 equal to x plus 1 and now x minus 5 and x plus 1 हो गया clear बेटा। देखो 19 number और 20 number same to same है, देख ले कर देना आप मोबाइल में फिर से बता बेटा क्यूब में क्या करना है। ऑल कोएफिशिएंट 0 तो x माइनस 1 फैक्टर, 0 नहीं है तो x प्लस 1, पर x प्लस 1 कंफर्म करने के लिए आपको क्या कि ऑड पावर ऑफ x इक्वल टू ऑड ऑड द सम ऑफ द ऑड पावर ऑफ कोएफिशिएंट x एंड द सम ऑफ द इवन पावर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बोथ आर सेम देयरफॉर x प्लस 1 फैक्टर।